आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़ वेब एंड यूट्यूब न्यूज़ चैनल। स्वास्थ्य कर्मचारी COVID-19 महामारी की रोकथाम नियंत्रण के लिए पूरे मध्य प्रदेश में विगत 5 महीनों से लगातार अस्थायी पदों पर कार्यरत हैं। विगत 4-5 महीनों से पूरी कर्तव्य निष्ठ से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर COVID-19 के संदिग्ध मरीजों के सीधे संपर्क रहते हुए इलाज करते हैं। प्राय देखा जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कर्मचारियों की भी भारी मात्रा में कमी होने के कारण सही इलाज नहीं हो पा रहा है। यदि COVID-19 से संबंधित संदिग्ध संविदा कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जाए तो COVID-19 में स्वस्थ सेवा अच्छी हो सकती है। कर्मचारियों को हाल ही में 50% किया गया है, ANM और फार्मासिस्ट को हटाया गया है, उसे भी इसके अंदर जोड़ा जाए। 1 नवंबर 2020 से भोपाल में प्रदेश स्तरीय भूख हड़ताल की जाएगी। इसके अंदर हमारा महोदय जी से निवेदन है, सभी ने निवेदन है कि हम सब स्वास्थ्य कर्मचारी COVID-19 महामारी की रोकथाम नियंत्रण में उपचार हेतु पूरे मध्य प्रदेश में विगत 7 माह से लगातार अस्थायी पदों पर कार्यरत है। जानते हैं मीडिया के माध्यम से कि अन्य देशों के अंदर जहां सेकंड वेव स्टार्ट हो चुकी है कोरोना की, वहां स्थितियां बड़ी गंभीर पैदा हो रही है। उसके अनुरूप यहां पे उल्टी बात करते हुए हमारे प्रशासन ने यहां के सारे स्टाफ को, मात्र 30 स्टाफ को रखा है, 130 में से बाकी स्टाफ को हटा दिया गया, जो कि हमारे साथ नाइंसाफी है। कोरोना काल को देखते हुए, हमारी सेवाओं को देखते हुए, हम COVID-19 के सभी कर्मचारी प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमें संविदा में संविलन किया जाए और हमारी सेवाओं को निरंतर रखा जाए। यदि मांगे पूर्ण नहीं होती तो क्या करेंगे आप? अगर मांगे पूर्ण नहीं होती है तो हम प्रदेश स्तर पे इस हमारी मांग को आगे ले जाते हुए भोपाल जाएंगे और भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोगों ने आगे रणनीति बना रखी है। इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पीयूष पांडे है, मैं आयुष मेडिकल ऑफिसर हूँ और COVID-19 का प्रवक्ता हूँ। महोदय को हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम पर, और वो हमने इसलिए दिया है क्योंकि अभी तक 7 माह तक हमारा उन्होंने जो पूरी तरह से इस्तेमाल किया है कोरोना के अंदर, ऐसे समय में जब सभी प्राइवेट चिकित्सक और यहाँ तक कि कई जो सरकारी चिकित्सक है वो भी छुट्टियाँ लेकर के घर पर बैठ चुके थे या फिर कई ने रिजाइन भी दे दिया था, वैसे समय में हमने आगे करके हमने कोरोना पेशेंट का ध्यान रखा है। और जब उनके घर वाले उनसे दूर हो रहे थे, उस समय में उनके घर वालों से ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर उनकी देखभाल करी है। ऐसे उसके बाद में हमारा उन्होंने 7 माह तक इस्तेमाल किया और उसके बाद में उन्होंने हमें आज एक तरह से घर बैठने के लिए बोल दिया गया है। ये इस तरीके से जो मानवीय तरीके से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत गलत बात है। कोरोना वैक्सीन को लेकर देखिए, कोरोना वैक्सीन की जहाँ तक बात आती है तो अभी तक कोई भी कहीं से कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है। सभी के सभी अभी ट्रायल फेज के अंदर चल रही है तो उसका अभी कोई फिक्स नहीं है कि वो कब तक आ सकती है। जैसे हमने पहले भी हमें पता है कि एक जो वैक्सीन है बहुत आगे जा चुकी थी उसका ट्रायल फेज, लेकिन उसको बीच में किसी कारण से रोकना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी स्टेज आती है इसके अंदर, तो उसके अंदर अभी ये बहुत ज़्यादा अगर जल्दबाजी अगर कर रहे हैं CM तो वो क्यों कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। और दूसरा ये है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने आकर के देश को संबोधित किया और उसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी कई जो दूसरे देश है वहाँ पर उन्होंने वापस से लॉकडाउन किया है, यानी कि अभी उन्होंने और आगे के लिए भी बोला है कि अभी हमें सतर्क रहना है, अभी हमें कोई ढिलाई नहीं बरतना है। लेकिन राज्य सरकार पता नहीं क्या चाहती है, उन्होंने जो अभी 130 जो हमारे कर्मचारी जो हमारे साथी काम कर रहे थे, अभी सेवाएं दे रहे थे, उनको कम करके मात्र 30 किया हुआ है। तो अगर इस कंडीशन में वो किस तरीके से इस सेकंड वेव का सामना करेंगे, और उसमें भी हमें पता है कि जो अभी जो टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग किस तरीके से हो रही है और वो जो टेस्ट कैसे कम हो रहे हैं उसके अंदर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं। लेकिन ठीक है, अभी अगर कुछ केस कम भी हुए लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। और दूसरा, जब हमें यहाँ पर नियुक्त किया गया था उस समय पूरे मध्य प्रदेश में 500 से भी कम केस एक्टिव थे। उस समय में जब अगर आपको इतने स्टाफ की आवश्यकता थी तो आज जब हजारों के अंदर अगर आज के समय में एक्टिव पेशेंट है तो आप उनको मात्र केवल इतने कम स्टाफ से आप कैसे काम चला सकते हैं? राजस्थान के जो CM हैं वो हमें, वैसे सभी को पता है कि कोरोना इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है,
पोलियो का भी जब वैक्सीनेशन बन गया उसके बाद में भी उसका वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने में वर्षों लगे हैं। तो इसका भी अगर जब वैक्सीन बन जाता है तो उसके बाद में हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उनका भी कहना है कि हम फर्स्ट फेज के अंदर हम लगभग 25 करोड़ भारतीयों को हम कोरोना वैक्सीन देने का हमारे कोशिश रहेगी। तो अगर उन्होंने इतने कम स्टाफ के अंदर जिनके अंदर वो अपनी दैनिक जो कार्यवाही होती है वही अगर चिकित्सालय के अंदर नहीं कर सकते हैं तो ये वैक्सीनेशन का काम इतने वृहत स्तर पर वो कैसे पूरा कर पाएंगे उसके अंदर ये हमारे समझ से परे है। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह पंवार, फार्मासिस्ट के पद पर मैं कोविड 19 में।